जय हिंद दोस्तों, यूडीसी आर्य में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं टीटन ब्लास्ट के आज के सेकंड मुकाबले की, जो कि एसपी और आरयूएन के बीच खेला जाएगा। 2.5 घंटे बाकी है दोस्तों इस वाले मैच के अंदर, ठीक है। सो डिटेल में जानेंगे प्लेयर्स स्टैट्स दोनों ही टीम्स की, एसपी और आरयूएन, ठीक है। दोनों साइड के प्लेयर्स के बारे में डिटेल पे जानेंगे। इसके अलावा फाइनल टीम आपको वीडियोस के अंदर मिलेगी, है ना। लाइनअप्स आने के बाद अगर कोई चेंजेस होते हैं देन फाइनल टीम आपको एक दो चेंजेस के साथ टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे 45,900 तकरीबन 46,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, ठीक है। अब इसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर आपको मिलेगा, ठीक है। काफ़ी लोग टेलीग्राम छोड़ के जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर तो लास्ट वाला गेम मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्वीडन और जर्मनी का, ये देखो जनता कैप्टन किसे बना रही थी और हमने किसे बनाया है, ठीक है। स्टैट्स पे चलेंगे। इसके अलावा ये देखिए, आपको पता होगा जाहिद को तो मैंने नहीं बताया था, बट पी शुक्ला को मैंने बताया था। स्टैट्स इनके बहुत तगड़े थे, आप लोग फॉलो ही नहीं करते, कोई बात नहीं दोस्तों। बाकी जो लोग भी फॉलो करते हैं ना वो लोग अच्छी खासी विनिंग करते हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं, और जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं ना अब उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। बाकी दोस्तों टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे टॉप पे है टेलीग्राम का लिंक। वहाँ से क्लिक करके आप लोग सबसे पहले तो ज्वाइन कर लो जिनको भी टीम चाहिए, ठीक है। अब इनके विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें डी रामदीन वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ठीक है। ओवरऑल स्टैट्स आपके सामने है, कुछ खास तो नहीं है बट बंदा टॉप पे आएगा, देखे ज़रा। तो इनका रिसेंट गेम कहाँ पे हुआ था पहले तो ये देखा जाएगा, ये है ना। स्कोर कार्ड पे चलेंगे, इसके बाद इनकी बैटिंग देखिए। पहले तो ये देखिए, मैंने बताया ना टॉप पे ही बैटिंग कराएंगे और वन डाउन पे ही आ गए। सो मैरियो एक तो ऑप्शन हो गए, डी रामदीन जो कि अपना टॉप पे बैटिंग कराएंगे विकेट कीपिंग कराएंगे, जाहिद गुली, क्या बात है, तीन ऑप्शन तो आपके टॉप पे ही हो गए ना, मैरियो और अपना गुली, ठीक है। इसके अलावा बॉलिंग पे चलें, तो अब यहाँ से देखो एंडरसन फिलिप, इसके अलावा रिशाद हैरिस जो कि स्पेल पूरा करेंगे, गुली तो मेरी टीम में ही है ना, केसिंग का भी एक बारी देखना पड़ेगा। सो हैरिस, इसके अलावा फिलिप दोस्तों, एक और थे केसिंग, देखे ज़रा। नहीं यार इतने में नहीं रह सकते, एक प्लेयर अगर आपको ट्राई करना है ना तो आप दोस्तों जा सकते हो आई खान के साथ, देखिए ज़रा। आई खान का लास्ट गेम खेले नहीं थे आई थिंक, सिर्फ 4 पॉइंट्स देखे आ रहे हैं, बैटिंग पे होंगे ये पड़े दोस्तों, नीचे में आएंगे, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बैटिंग पोजीशन अप रहती है इनकी अमूमन मैंने देखा, ठीक है। सो 6 इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर तो ज़रूरत पड़ी तो आई खान बाहर जाएंगे, ठीक है। बाकी 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर, 3 प्लेयर तो आपके, ठीक है, और ये तो टॉप के ये 3 प्लेयर, बाकी ये मिडिल के डाउन के बॉलिंग ऑप्शन, 4 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास, ठीक है। इसके बाद अगर तो फिल्टर लगाओ ना अपना आर यू एन के साइड, इनका भी देखा जाएगा, ये बड़ा लास्ट गेम तो हार के आ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे निकोलस एक ऑप्शन है, जोशुआ जेम्स भी एक बढ़िया ऑप्शन है ना, गोमेज जो कि विकेट कीपिंग कराएंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे क्योंकि इनकी बैटिंग पोजीशन डाउन ही रहती है अमूमन। तो निकोलस, जोशुआ जेम्स, नहीं दोस्तों चांसेस कम मिल रहे हैं ना। विकास मोहन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों, बंदा टॉप पे ही बैटिंग करा रहा है। ओवरऑल स्टैट्स, 2 मैचेस कैंसिल हुए लास्ट वाले गेम में, उतना तो कुछ खास नहीं कर पाए, मौका ही नहीं मिला, ठीक है। जोशुआ जेम्स की जगह फिर आपको नज़र आ जाएंगे अपना कौन दोस्तों,
मोहन, ठीक है, विकास मोहन, क्या नाम है इनका, जी हाँ विकास मोहन, यहाँ पे ये तो ऊपर ही बैटिंग करा रहा है बंदा। अब दोस्तों आगे अगर बात करें, कितने प्लेयर टोटल हमने लिए इनकी टीम से, सो दो प्लेयर, दोनों टॉप के ही लिए हमने। विकास मोहन तो बॉलिंग भी करेगा पूरा स्पेल, अब एक आधा प्लेयर और भी लिया जाएगा, और वो कौन हो सकता है, बॉलिंग से बताता हूँ दोस्तों। गोफिया पूरा स्पेल करेगा, स्टीफन, इसके अलावा जूनियर विलियम, तो इन दोनों का देखा जाएगा। बॉलिंग पे चलें तो जूनियर विलियम, इसके अलावा गोविया, गोविया को तो नहीं छोड़ सकते ना। अब यहाँ पे ना दोस्तों, एक तो यहाँ पे स्टीफन का देखे तो धुलाई बहुत ज़्यादा हुई थी, इकॉनमी दोस्तों बहुत ही आगे लेके गए थे, सो तेवन यहाँ पे ना इनको अच्छा खासा मौका दिया जाएगा, इनको अच्छा खासा टीम यूज़ करने वाली है इस वाले मैच के अंदर। अब ये देखिए टीम तो बन गई, दो तीन मेरे पास कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, अब जिसमें कि दोस्तों निकोलस, गुली, हैरिस है ना, और डी राम जी, ये बाकी देखें डिटेल में जनता किसके साथ जा रही है। ये देखो गुली रिजर्व करता है दोस्तों, वीसी मैंने किसको बताया था, क्या बात है दोस्तों, ए फिलिपे, जनता इनको भी बना रही है यार, कोई दिक्कत नहीं, मैरियो के साथ भी अब जा सकते हो, और गोविया ठीक है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट जाना चाहो, सो हैरिस भी कोई बेकार ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ए फिलिपे, यार नेट स्लो है, ये देखिए हर मैचेस के अंदर पॉइंट्स देखे जाएंगे, सो है अपना ए फिलिपे, ठीक है, फाइनल टीम का प्रीव्यू आप देख लो, ये देखिए है ना, ये ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं यार कि आप वीडियो में बोलते हो फाइनल टीम, फिर टेलीग्राम पे देते हो, दोस्तों जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, इन दोनों टीम्स की लाइनअप्स अगर उसके अकॉर्डिंग लाइनअप्स आती है ना, तो फिर फाइनल टीम यही है ना, इसमें ज़्यादा कुछ छेड़ने की क्या ज़रूरत है बताओ, केवल वही प्लेयर्स हैं जिनके स्टार्ट्स बढ़िया है, जो पॉइंट्स देखे जाएंगे, सिर्फ सीवीसी में आप चेंज कर सकते हो, मैरियो को बना लो है ना, हैरिस को बना लो, गोविया को बना लो, ठीक है, ये चेंज आप एक आधा अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो दोस्तों, बाकी अगर तो कोई चेंज नहीं होते देन फाइनल टीम यही है, अगर तो चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम आपको वीडियो अपना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिलेगी, ठीक है, चेंजेस के साथ। बाकी दोस्तों वीडियो को यही एंड करेंगे, धन्यवाद।